हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। बेलीपार थाना क्षेत्र में रुपयों के लेनदेन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। एसएसपी ने बताया एक आरोपी गिरफ्तार, शेष की होगी जल्द गिरफ्तारी। खोराबार थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने डिप्टी रेंजर को मारी गोली, गोली निकली। एसएसपी ने बताया जल्द होगी तस्करों की गिरफ्तारी। चौरी चौरा में मिली विवाहिता की गई थी हत्या, उसी के पति ने दो सहयोगियों के साथ दिया था हत्या को अंजाम, करते थे अवैध शराब बनाने का धंधा, एसएसपी ने किया खुलासा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत का प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने किया उद्घाटन, 61,857 वादों का हुआ निस्तारण। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में सामूहिक नकल के मामले में कई महाविद्यालय और केंद्राध्यक्ष पर गिरी गाज। महापौर और नगर आयुक्त के दावे में फेल, नगर निगम में बदस्तूर जारी है दलालों का खेल। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ बेनीगंज के शीश महल मंदिर से निकाली भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। एडीजे न्यायालय परिसर में स्थापित वाटर कूलर का प्रशासनिक न्यायमूर्ति डी के अरोरा ने किया लोकार्पण। बेलीपार पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब किया नष्ट। वेतन वृद्धि संबंधी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने किया बैठक, विभिन्न ब्लॉकों की शामिल हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं। उड़ीसा में आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा के अवसर पर महानगर के प्रयास एक परिवर्तन द्वारा भंडार का किया गया आयोजन, भक्तों के बीच बांटे प्रसाद। प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए नगर निगम पार्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति ने किया बैठक। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश प्रक्रिया 8वें दिन भी रहा जारी, शनिवार को स्नातक कला में कुल 423 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। और जिला फुटबॉल लीग में एमपी फुटबॉल क्लब ने सेंट एंड्रयूज फुटबॉल एकेडमी को 3-2 से हराया, जबकि सेंट एंड्रयूज स्कूल और ओम फुटबॉल एकेडमी का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा।